हाय हेलो आपका नाम? मेरा नाम इशिका और आपका? जी मनीष। ओके मनीष, आप भी ऑडिशन देने आए हैं? हाँ, वैसे आप क्या करते हैं, आपने क्या क्या काम करा? मैं तो फ्रेशर हूँ एक तरह से। हाँ, छोटे मोटे रोल किए हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या हो पाता है। अरे नहीं, सब अच्छा ही होगा। और आपने क्या किया है? मैंने थिएटर करा है, मैं पिछले 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ, एक दो वेब सीरीज भी कर ली है। क्या बात है यार, थिएटर आर्टिस्ट हो आप, फिर तो लगता है आज आपका ऑडिशन पक्का ही हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर के ऊपर है जिसको पसंद करे। हाँ ये भी है। वैसे मैंने सुना ये प्रोड्यूसर काफी खड़ूस है। नहीं नहीं, अच्छे हैं। अच्छा, हाय। हेलो सर। हेलो सर, मैं हूँ योगेश, इस प्रोडक्शन हाउस का ऑनर, और मैं वही हूँ जो आज आप दोनों को ऑडिशन लेने वाला है। आपका क्या नाम है? जी मनीष। मनीष, क्या करते हैं आप? जी मैं थिएटर करता हूँ। थिएटर करते हो? मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशिका है सर। इशिका, आप क्या करती हैं मैम? सर मैं फ्रेशर ही हूँ एक तरह से। हाँ छोटे मोटे रोल मैंने किए हैं, पर कोई बड़ा नहीं मिला आज तक। ठीक है, तो फिर मैं डिसाइड कर लिया है मैम, पहले हम ऑडिशन आपका लेंगे, मेरे साथ आइए। सर बट मैं इनसे पहले आया हूँ। पहले आप आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए सर, प्रोड्यूसर यहाँ मैं हूँ ना कि आप, तो मैं डिसाइड करूंगा कि पहले ऑडिशन आपका होगा या इनका। मैम आप मेरे साथ आइए। सर वो काफी देर से बैठे हुए हैं, आप पहले उनका ले लीजिए, मैं वेट कर लूंगी थोड़ी देर और। कमाल की बात है मैम। मैम देखो ऐसा है, अगर आपको ऑडिशन देना है तो दो, वरना आप घर जा सकती हैं। अरे नहीं नहीं, आप दे दीजिए पहले। पक्का? जी चलिए आप बैठ के वेट कीजिए, मैं आती हूँ। चलिए मेरे बेडरूम में। बेडरूम में? सर लेकिन मैं तो ऑडिशन देने आई हूँ ना, तो उसमें बेडरूम का क्या काम? देखिए मैम, मेरे प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन बेडरूम में ही होते हैं, तो आपको बेडरूम में ही आना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए तो चलिए फिर। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पहले उसका ऑडिशन लेंगे? अरे मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरा सारा टाइम खराब हो गया। हम लड़कों की कोई इज्जत है या नहीं है? आइए मैम। अरे क्या बात है मैम, कंफर्टेबल होके बैठी है आप आराम से। मैं कंफर्टेबल हूँ सर। एक बात बताइए, इतना दूर क्यों बैठी है मुझसे? आइए मेरे पास बैठिए। नहीं सर मैं यहीं ठीक हूँ। अरे आप इतना शर्मा क्यों रही है? अगर आप अभी से इतना शर्माएंगी तो भूल गई क्या, हमें आगे काम भी तो करना है। आइए यहाँ बैठिए मेरे साथ। जी सर। इसको साइड में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर मैं रख देती हूँ। तो आपने अपना क्या नाम बताया मुझे? सर इशिका। इशिका, वाह आपका नाम तो आपकी तरह बिल्कुल खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा काम हो जाएगा ना? एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ना कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप एकदम अच्छी जगह पर आई हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? अरे वाह, आप जानती हैं यूपी से मैंने इतनी सारी लड़कियों को मॉडल्स बनाया ना, कोई जवाब ही नहीं। अगर आज भी आप उन लड़कियों से जाके पूछेंगी ना कि उनके पीछे कौन है, मेरा ही नाम लेंगी वो। आज वो जहाँ पर भी है सिर्फ मेरी वजह से है। आप घबराइए मत, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, मेरा पूरा पूरा सपोर्ट आपके लिए है। ठीक है सर, तो फिर आप अपना हाथ भी मेरे सर पर रख दीजिए, क्योंकि मुझे भी एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। हाँ हाँ, आपको स्टार क्या, मैं सुपर स्टार बना दूंगा। आप एकदम सही जगह आई हैं, इंडस्ट्री में ना मेरी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, आपको काम, यूं आपको स्टार बना दूंगा। आप इतना दूर क्यों बैठी है मुझसे, मेरे पास आइए। सर मैं ठीक हूँ यहीं पे। अरे घबराइए मत, मेरे पास आइए। हाँ तो इशिका जी ये बताइए, आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी है? सर मैंने अपनी एक्टिंग यूपी से ही सीखी है, बताया था ना आपको मैं यूपी से हूँ। यूपी में हम बहुत मेहनत करते थे, बहुत हम चौपाल भी खेलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी मेहनत का फल मैं आपको दे सकता हूँ। बताइए आपको मेरी मूवी का स्टार बनना है? हाँ सर स्टार तो बनना है मुझे बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारे सपने लेके आई हूँ सर यहाँ पे। सर प्लीज़ कुछ कर दीजिए ऐसा। हाँ हाँ, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, मैंने कहा ना आप एकदम ठीक जगह आई हैं,
मैं आपको स्टार बना दूंगा, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको लॉन्च कर दूंगा और इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझे बताइए कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं इतनी मेहनत करूंगी ना कि आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बट सर, पैसे वैसे मत मांगिएगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए आपको। अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत, पैसे तो मेरे पास बहुत है, मुझे पैसे के अलावा वो चाहिए। वो सर? समझी नहीं आप इतनी भी भोली मत बनो, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। सर आपका मतलब कॉम्प्रोमाइज? जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, समझदार तो तुम काफी हो। जी सर। सर इसका मतलब आप जिस लड़की को भी काम देते हैं आप सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हाँ जाहिर सी बात है, अब मैं लड़कियों को इतना फायदा करा के देता हूँ तो कुछ फायदा मेरा भी तो होना चाहिए ना। तो यानी कि आपने जिन जिन के भी साथ कॉम्प्रोमाइज किया है सबको काम दिया आपने? हाँ सबको काम दिया है। मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो मुझे भी काम मिल जाएगा? बिल्कुल, तुम मेरा फायदा कराओगी तो मैं भी तो तुम्हारा फायदा ही कराऊंगा ना। ठीक है सर। चलो ठीक है, बाकी बातें तो होती रहेंगी, अब काम की बात करते हैं। चलो अब मुझे सेड्यूस। सर मैं सेड्यूस आपको क्यों? अरे ये तो हमारे काम का हिस्सा है, तुम्हारी सारी शर्म अंदर से निकालनी है ना। चलो अब अपने कपड़े उतारो और मुझे सेड्यूस करो। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ उतारो कपड़े, तमीज औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तू जानती भी है कौन हूं मैं? एक मिनट में तेरा सारा करियर नाश मार दूंगा मैं। तू जानता है मैं कौन हूं? कौन है तू? मेरा नाम है इंस्पेक्टर इशिका। इंस्पेक्टर इशिका? तू मेरा क्या करियर खराब करेगा? हाँ करियर खराब तो मैं तेरा करूंगी। पागल, ये क्या किया तूने? बहुत दिन से पता चला था मुझे कि तू लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है और उनको अपने झूठे जाल में फंसाता है और उनके साथ कोई काम नहीं करता। सब पता करके आई थी मैं तेरे बारे में। तेरा केस मेरे पास बहुत पहले आ चुका था, इसीलिए मैं यहाँ ऑडिशन के बहाने आई, जिससे मुझे पता तो चल जाए कि तू लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। देख ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर ली, और मैं कैसे मान लूं कि तू इंस्पेक्टर है? मुझे पता था कि तू ये बकवास क्वेश्चन जरूर करेगा। तुझे पता ही क्या है, ये कोई साधारण पर्स नहीं है, इसमें ये रिकॉर्डर है जिसमें साफ साफ सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तूने खुद अपने मुंह से कबूला है कि तू किस तरह से लड़कियों को काम का झांसा देता है और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। अब तू नहीं बचेगा, बहुत लंबा जाएगा। और तुझे पता है ऑडिशन के नाम पे जिस लड़के को तूने बाहर वेट करा रखा है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो है इंस्पेक्टर मनीष। इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मैडम जी, सब ठीक है ना? और आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर लगता है अब इसकी हालत खराब हो चुकी है। तो ना बहुत लंबा अंदर जाएगा तू, चल मेरे साथ। जी सर। मैडम तो समझ नहीं रही, आप कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लो ना। अच्छा ले दे के? हैं पहली गलती तो ये कि तू लड़कियों से कॉम्प्रो करवाता है, और दूसरी गलती तू मैडम को अपने बेडरूम में लेके आया, और तीसरी गलती ये कि तू ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है। तू तो बहुत अंदर जाएगा, चल मेरे साथ।